गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल, क्लास 9, सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, पार्ट 9, सिका सेतु। चैप्टर का नाम है सिकाता सेतुआ। माने सिकाता सेतुआ का मतलब होता है बालू का पुल। अब मैं आपको इसका संस्कृत में जो है उसको नहीं पढ़ते हुए हिंदी में इसका अर्थ आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगी, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है आपके, ठीक है। तो देखिए, हिंदी में इसको समझ लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। प्रस्तुत नाटक सोमदेव रचित, कथा सरिता सागर के सातवें अध्याय लंबक से संकलित है। यह तपोवन से विद्या पाने के लिए प्रत्याशी तपोवन नामक एक बालक तपोदत्त नामक एक बालक की कथा है। किसकी? तपोवत्त नामक एक बालक की कथा है, मतलब नाटक रूप में वर्णन किया गया है। अब नाटक रूप में क्या है इसका वर्णन देखते हैं अपन, नाटक के रूप में इसको पढ़ते हैं। देखिए, तद प्रविशति तस्य तारः तपोदत्तः। देखिए, तस्य प्रविशति, देखिए इसका, इसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका आरती बता रही हूँ डायरेक्ट आपको। तपोदत्त क्या होता है? तपोदत्त अब क्या बोलता है, मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिताजी द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी मैं विद्या का अध्ययन नहीं किया। तब से मैं सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा तथा बंधु बांधवों के द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा अपमानित होता रहा हूँ। लंबी गहरी सांस लेकर, हाय विधाता, यह तुमने मेरे लिए क्या किया? तब मैं किसी दुष्ट बुद्धि वाला था, यह भी नहीं सोचता था कि मनुष्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होते हुए भी निर्माण भोगी के समान ना तो सभा में सुशोभित होता है और ना ही घर में सुशोभित होता है। कुछ सोच विचार कर, ठीक है, इससे क्या, दिन में यदि कोई भी मनुष्य मार्ग भटक कर सायंकाल तक भी यदि घर में वापस आ जाता है तो भी यही अच्छा होता है, तो उसे भूला या भटका हुआ नहीं माना जाता। इसलिए अब भी मैं तपस्या द्वारा विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। ये कौन कह रहा था? तपोदत्त। उसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं करी थी, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा था कि मैंने बचपन के समय विद्या प्राप्त नहीं करी, सारा समय गवा दिया, पर अब मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। अब क्या है, अगले कौन बोलता है? पुरुषः वो तपस्वी नाम। अब पुरुष क्या बोलते हैं? देखिए, पानी के उछलने की आवाज आती है, इसके बाद देखिए, अरे ये पानी के तरंगों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ तो नहीं है। देखता हूँ एक पुरुष को रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसने लगता है। हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तेज प्रवाह धारा वाली नदी में यह मूर्ख व्यक्ति रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है।
जोर से हंसकर पास जाकर, अरे महाशय श्रीमान जी यह क्या कर रहे हो, तुम अपना परिश्रम रहने दो। देखो राम ने जिस सेतु के पुल को समुद्र में पत्थरों की शिलाओं द्वारा बांधा था, उसी प्रकार से पुल को तुम रेत द्वारा बना रहे हो। क्या तुम प्रभु राम से भी श्रेष्ठ या बढ़कर हो? सोचो कहीं रेत द्वारा भी पुल बनाया जा सकता है जो तुम बनाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, आगे देखेंगे। रेत द्वारा बनाने पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो। फिर पुरुष कहता है, हे तपस्वी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयास करने से क्या कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो पत्थर की क्या आवश्यकता है, मैं रेत द्वारा ही पुल बनाऊंगा, ऐसा मेरा मजबूत इरादा है। तपोदत्त, आश्चर्य है जो तुम रेत द्वारा ही पुल बनाओगे, क्या रेत के कण जल की धारा में रुक जाएंगे? क्या आपने ये सोचा है? पुरुष कहता है उत्साह से, पुरुष फिर बोलता है उत्साह से, जो पुरुष रेत का पुल बना रहा है उत्साह सहित खिल्ली उड़ाते हुए, हाँ सोचा है, भली भांति सोचा है। मैं सीढ़ियों की सहायता से चढ़ने का विश्वास नहीं करता। ठीक है, धन्य है, अंजलि पुत्र हनुमान को भी तुम्हारे द्वारा लांगा है। पुरुष कहता है, फिर सोच विचार करके बोलता है, इनमें क्या संदेह है और क्या हो सकता है? यदि तुम बिना लिपि और अक्षर के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ही सकते हो, सभी विषयों का विद्याओं को ग्रहण कर सकते हो, तो क्या मैं रेत का पुल नहीं बना सकता? ठीक है, तो यहाँ तक कर दिया मैंने, और इसका थोड़ा सा रह जाएगा आपका, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है अपना, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी, और पहले का भी समझा दूंगी, और ये लास्ट वाला भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।